हेलो गाइस, मैं मोना सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है आवाज़ मन बातें। तो मैं नहा चुकी हूँ और नहा के मैंने पूजा कर ली है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि फ्रूट का भूख लगा दिया आज। और रानी आ चुकी है, देखिए रानी आ चुकी है, अपना काम करना शुरू कर दिया है उसने। मैं हूँ किचन के अंदर और मैं अब फटाफट बनाऊँगी नाश्ता। तो देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ पोहा। तो आज पोहा बनाते हैं, पोहा बना के खाते हैं, क्योंकि पराठे वराठे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए सोच रही हूँ आज पोहा बनाया जाए। तो आज बना रही हूँ मैं हल्का पोहा। सर को दिया है थोड़ा सा बना के मैंने इफी नूडल्स तो आते हैं, वो बना के दिए हैं, क्योंकि मैंने भी दो तीन दिन से रोटी पराठा ये सब दे दे के परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा आज बनाते हैं हम थोड़ा सा पोहा। तो चलते हैं अपनी नाश्ते की तरफ। देखिए गाइस, मेरी हो चुकी है पूजा और मैंने लगा दिया है भोग। तो आज मैंने एप्पल का भोग लगाया है ठाकुर जी को, पिंक पिंक ठाकुर जी माँ काली। आपको मेरा मंदिर कैसा लगता है प्लीज बताइएगा। देखिए बैठ गए हम नाश्ता करने के लिए और देखो परेशानी खुल रहा है क्या पैकेट, और देखो उसने अपने दांतों का पूरा प्रयोग कर दिया ढप। और ये देखो, ये खोल दिया इसने नमकीन का पैकेट। अभी भी नहीं खुला। बताओ यार, कितने कमजोर बच्चे हैं। अब जाएगी कैची की तरफ, तो पहले ही कैची की तरफ ना चली जाती। हद है यार इन बच्चों की। देखो देखो देखो, अब खुलेगी हमारी नमकीन और परी खाएगी नमकीन। कैसे खाएगी? गप 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 गप। आलू भुजिया फेवरेट है उसकी, फेवरेट आलू भुजिया। देख खुल गई, जल्दी से डालो भाई, जल्दी से खाओ भाई। और मैं वीडियो को करती हूँ बंद फटाफट। ये कर रही है पोहा एंजॉय। तो देखो रानी उधर कर रही है पोहा एंजॉय, खा रही है फटाफट नाश्ता। इधर मैं हूँ, इधर मेंड की है। चलो भाई हो गई शुरू। कैसे लगा पोहा परी? कैसा है? आहा, देखो रानी भी खा रही है। देखिए गाइस, आज के बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गुड़िया को। देखो वो किस तरह से परी लगी पड़ी है अपने बालों को संवारने में। कभी ऐसे संवारती है, कभी वैसे संवारती है। समझ में उसको फिर भी कुछ नहीं आता है कि कैसे संवारूं। फिर मुझसे बोलती है मम्मी मेरे बाल आप बनाओ। फिर मेरे तो समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। तो देखिए गाइस अभी वो क्या कर रही है, जरा सीधा होकर तो बताइएगा, जरा दिखाइए परी। देखिए आगे चोटी बना रही है, चोटी बना के उसको पीछे करेगी, पता नहीं भगवान जाने कैसे कैसे। ये देखो, और अपने बाल लंबे हैं, उसके बाल उसने छोटे कर लिए हैं। तो आजकल के बच्चे कैसे हैं ना, देखिए आप। मैं फिर से इसकी एक्टिविटी पर मिलवाऊंगी आपको। धन्यवाद। वही हो गई है शाम, 5:30 बज गए हैं और परी ब्रेड में लगा के खा रही है सरप्राइज नमकीन। देखिए आलू भुजिया, ये देखिए, और बहुत टेस्टी लगती है। मैं भी खाती हूँ, मुझे जब हल्की फुल्की भूख लगती है, जब मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है तो हम लोग ऐसे खाते हैं। देखो आज चमत्कार हो गया। आज जूलिया रह गई है यहीं पर, तो ये इसी की बहन भाई है, लेकिन वो ना उधर चली गई थी, तो आजकल ये आने लगी तो इसको भोंकते थे। ये वही काला वाला छोटा डॉगी है। आज ना देखो इसको, ये प्यार कर रहे हैं और मतलब खेल रहे हैं सभी। देख आपको याद है वो वाला डॉगी काला वाला? नहीं जूली, रात का लग गया ठाकुर जी को भोग। आज मैंने बनाई है मसूर की दाल, ये हमारी तरफ की यूपी की दाल है, और रोटी। देखिए आज ठाकुर जी का मैंने यही भोग लगाया। ये देखो गाइस, हमारा न्यू मेंबर जूली, इसका नाम क्या है? जूली। ये हमारा न्यू मेंबर है आज से। ये ना बिछड़ गई थी बेचारी, आई भी चली गई थी ये, और इसने ना इसको बहुत मारा है। लेकिन जब से इसकी मम्मी से डांट पड़ी है ना लकड़ी, तब से ये इसको मार नहीं रही। गाइस ये देखिए, और वो कौन गई? सेरनी, वो देखो लूसी, जोसी। और ये देखो हमारे न्यू मेंबर को दिया जा रहा है खाना, ब्रेड जूली को। अब 3 मेंबर हो गए हमारे, पहले सिर्फ 5 थे, कालू चिक्की ब्लैकी शेरनी और लूसी। अब ये एक और आ गई जूली। तो ये ना इन्हीं की ही बहन है, बहुत दिन से सोच रही थी ये आ जाए लेकिन ये आ नहीं पा रही थी क्योंकि इनको मार रहे थे।
सारे मिलके इसको मारते। तो आज मैंने सबकी पिटाई करी, इसकी तो आज ऐसे कुछ नहीं कह रही। और इसकी मम्मी भी नहीं पहचान पाई। देखो उसकी माँ भी आ गई है और मेरा कालू भी आ गया है, सब इकट्ठे हो। देखना मेरे सारे डॉगी आ गए हैं खाना खाने। देखो लूसी और देखो जूली भी, ये नया मेंबर आया है मेरे परिवार में, नया मेंबर जुड़ा है। इसकी माँ है, जूली है, कालू है, लूसी है, और लूसी का तो पड़ेगा तो थप्पड़। और चिक्की देखो वहाँ बैठता है क्योंकि थोड़ा सा डरता है, लेकिन सारे 2Z खाना खाने आते हैं। देखो आप गिन सकते हैं इनको, कितनी प्यारी लग रही है ना। देखिए गिन सकते हैं ऐसे एकदम नया पैरों। डिनर कर रहे हैं हम लोग, आलू की सब्जी कल की रखी थी, मैंने कहा वो खा लेती हूँ। थोड़ी सी दाल बनाई थी, थोड़ा पनीर बनाया था और थोड़ा आज खिचड़ी बनाई थी दिन की, तो वो भी बची है। तो मैं और सर यही सब खाएंगे बस, और रात का डिनर हो जाएगा। अब देखिए मेरे चैनल को अभी 2-3 लोगों ने किया है सब्सक्राइब, 2-3 ने वैसे अनसब्सक्राइब भी किया है। जब अनसब्सक्राइब कोई करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। पर कोई बात नहीं, देखिए सबके विचार अपने होते हैं, उसके लिए मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वो अपनी मर्जी है, हर इंसान अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से रहता है। लेकिन जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में अपना नाम भी ज़रूर डालिए, क्योंकि मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर का नाम जानूँ। तो अगर आप कमेंट में अपना नाम डालेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किस तरह की वीडियो देखनी है उसके लिए भी आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, तो मैं उस तरह की ही वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा और सजेस्ट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, और बताइएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं करती हूँ अपना ब्लॉग बंद। आप मुझे इतना कीमती वक्त अपना दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, तहे दिल से उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आपका सपोर्ट मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं ये चाहती हूँ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना नाम भी डालिए मेरे उस पर कमेंट करके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलूँ, मतलब मैं जानूँ नाम उसका कि कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। तो गुड नाइट, थैंक यू, शुभ रात्रि, बाय बाय गाइज़।